Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today we are gonna make white sauce pasta, that too very quick. So before we get started, please do like, share and subscribe my channel. Firstly, we need to take 5 to 6 cups of water to boil our pasta and add 1/4 teaspoon of salt. Also add oil. I'm using 1/2 tablespoon of oil here. Please don't use more than that because fir hamare pasta pe ek oil ki layer ban jati hai. एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड देन वी नीड टू ऐड 2 कप्स ऑफ पास्ता. आई वुड प्रेफर टू यूज पेनी पास्ता बट इफ यू डोंट हैव इट यू कैन यूज मैक्रोनी और द स्पाइरल वन एज वेल. देन यू नीड टू बॉइल योर पास्ता ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम फॉर अबाउट 10 टू 15 मिनट्स या फिर जब तक आपका पास्ता 3/4 कुक ना हो. नाउ इन अनदर पैन Add 4 tablespoon of butter. Actually, we need 5 tablespoon, but हम 1 tablespoon बाद में डालेंगे. And then you need to melt this butter and add maida. You need to add 3 tablespoon of maida and डालते ही इसको अच्छे से stir करना है, जिससे lumps create ना हो, because it won't taste good. Now add 1 more tablespoon of butter into this mixture and इसको low flame पे आपको अच्छे से cook करना है and ये थोड़ा ऐसा slurry type बन जाएगा. Then you can proceed. Now add 2.5 cup of milk. So पहले आपको 2 cups आहिस्ता add करना है and जब आप add कर रहे हो साथ के साथ आपको mix भी करते रहना है जिससे कोई भी lumps create ना हो. This step is very crucial. Please take care of it. Then use a whisker and you need to whisk it properly जिससे अभी भी lumps ना हो and ये कुछ ऐसी slurry बन जाएगी when you cook it. Then add 1/2 cup of milk again and इसको अच्छे से आपको mix करना है and ये थोड़ी thick slurry बन जाएगी and बीच बीच में आपको अपना pasta check करते रहना है. Now they are fully cooked. You need to drain out water using a strainer and then you need to wash out your pasta with cold water and आप pasta को देख सकते हैं ये इस तरीके से हो गया है but एज आई टोल्ड यू कि 3/4 ही कुक करना है बिकॉज अभी हम इसको अपनी मिक्सचर में भी डालेंगे जिससे वो और भी कुक होगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्ड. नाउ इन योर वाइट सॉस यू नीड टू ऐड 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑफ मिक्सड हर्ब्स एंड 1 टीस्पून ऑफ पेपर. एंड ये सब आपको जब डालना है जब आपकी फ्लेम खुली हो, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको कुक करते रहना है जिससे ये खराब ना हो एंड थिक होती रहे. Then I'm adding 1/4 cup of mozzarella cheese. You can add more as well and a cheese slice. Now आपको अपने चीज़ को अच्छे से melt करना है, अपनी सॉस में अच्छे से mix करते रहना है. आपको अच्छे से mix करते रहना है low flame पे and then you need to add your pasta. And pasta भी अच्छे से mix करना है आपको and then you can add more cheese if you want. एंड मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा चीज़ हो रहा है. एंड देन आई एम एडिंग सम ओरिगैनो ऑन टॉप ऑफ इट एंड पेपर एंड चिली फ्लेक्स. ये आपकी मर्जी, आप ऑप्शनल है डाल सकते हैं बट इससे टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा. एंड सम मोर चीज़ एंड चीज़ स्लाइस. इसके बाद मैं 1 टीस्पून ऑफ विनेगर भी डाल रही हूँ जिससे अगर पास्ता का कच्चापन बचा है तो वो सही हो जाए. देन यू नीड टू कवर इट एंड कुक इट ऑन लो फ्लेम फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स जब तक आपका चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए. एंड नाउ दिस इज रेडी टू ईट एंड वेन यू टेक अ बाइट यू गेट सो मेनी फ्लेवर्स इन अ बाइट एंड द चीज़ इज लव. डू ट्राई आउट दिस रेसिपी. आई होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फर्गेट टू कमेंट वॉट यू वॉन्ट टू सी नेक्स्ट. टिल देन बाय बाय.